अच्छा दोस्तों, अभी जो है ये मैंने सांप लिया हुआ गले में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज जो है मैं आया हूँ एक नए ज़ू, ये ज़ू का नाम है एलेक्सर प्राइवेट ज़ू। तो यहाँ पे जो है काफ़ी डिफरेंट मैंने एनिमल्स रखे हुए, और ये जो है नॉर्थ नाजामाबाद ब्लॉक जी में मौजूद है। तो अब आइए ज़रा इसको एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी जो है मैं मौजूद हूँ वाइट डेयर के केज के सामने। ये वैसे तो नॉर्मल डेयर्स तो एक ब्राउन कलर के होते हैं, लेकिन ये वाइट डेयर है, वही डिफरेंट नसल है। दोस्तों अभी जो है मैं जैक के साथ मौजूद हूँ, और यह कितना पालतू जानवर है और कितना मासूम सा है, इतना खूबसूरत है। अच्छा अभी जो है 5:30 के बाद इनकी हॉर्स राइडिंग भी शुरू होगी। दोस्तों अभी जो है मेरे साथ 10 घोड़ा मौजूद है, इसका नाम 10 है, और ये तो माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई बाहर की नस्ल लग रही है। ये देखें इसका कलर जो है ब्राउन वाइट सा है, और इसके बाल भी देखें वाइट ब्लैक से हैं, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का ही है। अच्छा दोस्तों ये देखें, इन्होंने ये मेरे पीछे जो है दोनों साइड्स पे यहाँ केज हैं, और इन्होंने सारे डिफरेंट एनिमल्स रखे हुए हैं इन सब केजेस में। अच्छा दोस्तों ये देखें, अभी यहाँ पे हिरण का ग्रुप बैठा है पूरा, और ये देखें बीच में जो है एक ये चार सिंगा बैठा हुआ है, ये जो है मेल है, और देखें किसके खूबसूरत हैं इसके चार सिंगा, बिल्कुल अलग सा लग रहा है इन सब में से ये। अच्छा दोस्तों अभी जो है मेरे पीछे जो है यहाँ टाइगर मौजूद है, टाइगर के केज के सामने बैठा हूँ मैं। यहाँ पे जो है दो टाइगर्स हैं, और एक जो है सामने ही था, मैंने कहा जल्दी से रिकॉर्डिंग कर ली जाए, क्योंकि दूसरा अभी धूप है तो वो रेस्ट कर रहा है थोड़ा छाँव में। ये देखें ये रहा टाइगर। अच्छा दोस्तों अभी जो है यहाँ सामने एक रेड डियर का केज भी है, तो मैंने सोचा ज़रा इनकी भी रिकॉर्डिंग कर ली जाए। ये देखें ये है रेड डियर, अभी इनको खाना दिया है, तो ये सारे जो अभी खाना खाने में मसरूफ़ हैं। अच्छा दोस्तों अभी जो है ये अरबियन ओरिक्स है, ये जो है डेजर्ट में रहता है अफ्रीका और सऊदी अरब के, वहाँ के डेजर्ट्स में ये रहते हैं अरबियन ओरिक्स, और इनका नाम भी इसलिए अरबियन ओरिक्स है क्योंकि ज़्यादातर वहीं मौजूद रहते हैं ये। तो ज़रा मैं आप लोग को दिखाता हूँ इनकी भी केज के अंदर। ये देखें ये रहे वो ओरिक्स, और ये काफ़ी भारी होते हैं माशाल्लाह से। मैंने देखा अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये जो हैं अभी 200 से ज़्यादा किलो के होते हैं कुछ। ये देखें इनके सींग आप देखें, ये नेचुरली इस तरह के इनके सींग होते हैं, इतने लंबे, ऐसा लग रहा है अलग से अटैच हुए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, असली के इनके इस तरह के होते हैं। अच्छा दोस्तों अभी जो है मैं यहाँ शेर के साथ मौजूद हूँ, यहाँ इन्होंने केज के अंदर यहाँ शेर हैं, एक जो है मेल और एक दूसरा फीमेल है। ये देखें फीमेल वाली है। दोस्तों ये देखिए ये जो है ये सामने ब्लैक बक है, ये इसके इतने बड़े बड़े सींग हैं, बाकी जो सारे वो हैं बाकी हिरण वगैरह, और ये अपना फीमेल हैं सारे वो जो, लेकिन दूसरा जो सिंग वाला है वो मेल है। अच्छा अब जो है मैं आ गया हूँ ज़ेब्रा के केज के पास, तो ज़रा इनको भी देख लेते हैं गहा। अभी ये सब जो है खाना खाने ही मसरूफ़ हैं। ये दोस्तों कितना खूबसूरत जानवर है, इसके सिंग देखें कैसे कर्व हुए हैं, इतने लंबे। एल्बिनो डेयर है ये, और काफ़ी लंबा है बाकी सब डेयर से, है भी थोड़ा ग्रे ब्राउन सा, इतना लंबा था।
अच्छा ये जो हैं ये बतके कुछ अंडों पे बैठी हुई हैं, अभी अंडे सेक रही हैं, बाकी जो मौजूदा बर्ड्स हैं वो सारी अपना पानी में, लेकिन यहाँ ये अभी अंडे सेक रही हैं। दोस्तों ये देखें अभी सामने एक बहुत लंबा सा क्लाउन आ रहा है। हेलो कैसे हैं आप? ठीक। ये देखें दोस्तों काफ़ी लंबे हैं ये। अच्छा दोस्तों ये देखें यहाँ पे जो है ये हॉर्स भी रेडी हो गए हैं, इनके ऊपर इन्होंने सैडल लगा दिए हैं। अभी इन्होंने 3 हॉर्स निकाल दिए हैं, एक ये रहा और दूसरा ये रहा और तीसरा उधर है। तो इन्होंने जो है यहाँ पे ये तीनों हॉर्स रेडी कर दिए हैं, इन्होंने जो ये तीनों हॉर्स यहाँ पे रेडी कर दिए हैं। फिर अभी कुछ टाइम ये हॉर्स राइडिंग भी खोल देंगे थोड़े शाम के टाइम में, अभी तो क्योंकि धूप है, यही शाम का टाइम थोड़ा होगा ठंडक वाला, तो हॉर्स राइडिंग भी खुल जाएगी सबके लिए, तो हम भी ज़रा ट्राई करेंगे एक दफ़ा। दोस्तों घूम तो काफ़ी लिया और अब थोड़ा मुझे मतलब कुछ खाने पीने का मूड हो रहा था, मैंने सोचा क्या खाना भी करा जाए, तो यहाँ पे जो है गोलगप्पे, मैंने सोचा कि गोलगप्पे ज़रा ट्राई करते हैं इन लोग के यहाँ पे। अच्छा दोस्तों अभी जो है मैंने ये गोलगप्पे मंगवाए थे, 150 की प्लेट है जिसमें आपको ये 6 गोलगप्पे मिलते हैं और प्राइस भी मुनासिब है, तो अब ज़रा इसको ट्राई करते हैं। ये इसमें उन्होंने दिया हुआ चटनी, इसमें अंदर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी बेहतरीन है ये तो, और इसकी चटनी जो थी ये इसमें ही मसाला था, साथ ही उन्होंने छोले अंदर डाले हुए थे, काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो। और काफ़ी भारी सांप है, और ये हमारे ओन भाई हैं, इन्होंने यहाँ मैनेजमेंट संभाली हुई थी, ये सारे सांप वगैरह यहाँ पे लाए थे। तो अस्सलाम वालेकुम ओन भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। आप सुना? मैं ठीक। अच्छा ये आपने मैनेजमेंट संभाली थी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार बस एक छोटा सा हमारा प्लान है कि लोगों को हम सिर्फ केजेस में एनिमल ना दिखाएं, और एलिगजर का प्लान यही है कि हम मोस्ट ऑफ दी एग्जॉटिक एनिमल्स जो है ना वो लोगों से इंटरेक्शन कराएं। जैसा अब आपका इम्तिहान लेना था तो हमने सोचा कि सबसे बड़ा वाला पाइथन आपके गले में डालें, तो हमारा बस मेन प्लान ये है कि हम इसको मोस्ट डिफरेंट और एग्जॉटिक तरफ लेके जाएँ। थैंक यू। और यहाँ पे ऐसा यहाँ काफ़ी पब्लिक आई थी, तो उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? पब्लिक हॉलीडे था, अच्छा दिन था, हमने सोचा इसको कैश किया जाए, तो हमने लोगों के लिए जो हमारे नॉर्मल डेज में होता है कि आप लोग आके जू विज़िट कर सकते हैं, उसमें हमने इंटरेक्शन मैक्सिमम कर दिया, राइडिंग करवा दी, अवेयरनेस प्रोग्राम और एनिमल्स के साथ इंटरेक्शन के वो टच कर सकें एंड एनिमल्स को जो नॉर्मली देखने में नहीं आते। अच्छा आप लोग मैं सुना यहाँ हॉर्स ट्रेनिंग भी करा रहे हैं? क्योंकि हॉर्स ट्रेनिंग क्लब्स जो हैं, हॉर्स राइडिंग क्लब, वो कराची में जितने भी हैं बहुत ज़्यादा ऑफ एरियाज में, ये बिल्कुल नाजमाबाद में बिल्कुल मिडिल सेंटर ऑफ सिटी है, और हमने पैकेजेस वगैरह भी बहुत मुनासिब निकाले हैं, तो हम चाहते हैं कि इन सिटी भी लोग ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकें। चलिए थैंक यू, अच्छा लगा आपसे। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलिए ठीक है, अब वीडियो का एंड करते हैं, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं इसी तरह आप लोग से मिलूँगा अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।